लगभग लगभग कूड़े का पहाड़ जो पूरा बना हुआ था वो हटके यहाँ पे सफाई की गई है। कल राम राम भाई, यहाँ पर कल जेसीबी लगा करके सफाई कर दी गई थी, पूरी सफाई कर दी गई थी, लेकिन कुछ कमबख्त भ्रष्ट और गंदे जनता के द्वारा फिर दोबारा यहाँ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया। इसमें नेताजी की गलती नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पर जो कूड़ा डाला है वो फिर पब्लिक ने डाला है। और बता दूं, जब तक ये पब्लिक सही नहीं समझेगी या पब्लिक अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करेगी या पब्लिक जब तक क्या नाम इस तरह की गलती करने से नहीं दूर हटेगी, तब तक यहाँ पर लगातार सफाई होने वाली भी नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। क्षेत्र हमारा है, हम लोग यहाँ रहते हैं और आप लोग यहाँ पे आएंगे अगर खुद पन्नी डालेंगे तो लगातार। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पेज पर, इस समय लाइव हूं मैं और मैं हूं आपके साथ वही आपका दोस्त दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं, इस समय एक बार फिर आज मौजूद हूं दोबारा से वही बुधवार फेज टू में फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल के सामने। और अगर आपको बता दूं, यहां पर हमने आज परसों, मतलब पीछे बीता हुआ कल का दिन छोड़ने, अगर परसों की बात करें तो यहाँ की एक वीडियो बनाई थी कि बिल्कुल स्कूल के सामने का मैंने आपको भ्रष्टाचार दिखाया था। एक बार नजर डलवा दूं आपको, देखो यहाँ पर ये सोलंकी सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के यहाँ पर दीवार मैंने आपको दिखाई थी जो कि D1 हर्षदेव पार्क बुद्ध विहार फेज टू के है, और इसी दीवार के नीचे पूरा कूड़े का पहाड़ और टीला बना हुआ था। लगभग यहाँ तक का, यहाँ से लेकर पूरा एंड तक कूड़े का पहाड़ बना हुआ था। हालांकि आज भी यहाँ पर कूड़ा है, मैं बता दूं आपको, और लगभग कूड़े का पहाड़ जो पूरा बना हुआ था वो हटके यहाँ पे सफाई की गई है। कल राम राम भाई, यहाँ पर कल जेसीबी लगा करके सफाई कर दी गई थी, पूरी सफाई कर दी गई थी, लेकिन कुछ कमबख्त भ्रष्ट और गंदे जनता के द्वारा फिर दोबारा यहाँ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया। इसमें नेताजी की गलती नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पर जो कूड़ा डाला है वो फिर पब्लिक ने डाला है। और बता दूं, जब तक ये पब्लिक सही नहीं समझेगी या पब्लिक अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करेगी या पब्लिक जब तक क्या नाम है इस तरह की गलती करने से नहीं दूर हटेगी, तब तक यहाँ पर लगातार सफाई होने वाली भी नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। क्षेत्र हमारा है, हम लोग यहाँ रहते हैं और आप लोग यहाँ पे आएंगे अगर खुद पन्नी डालेंगे तो लगातार कब तक ऐसे जो है गंदगी तो यहाँ पे रहेगी रहेगी। फिर हम आरोप लगा देंगे किसी न किसी नेता के ऊपर, पार्षद के ऊपर, विधायक के ऊपर या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। गलती उनकी भी है, ये नहीं मैं कह रहा कि उनकी गलती नहीं, उनकी भी गलती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी महीनों से जो सफाई नहीं करी थी वो आज कम से कम इतना तो साफ नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ पर फिर गंदगी नज़र आ रही है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि जनता भी गंदगी में रहने को मजबूर है, वो भी लापरवाही कर रही है। और इस चीज़ को सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब जनता से इस विषय में बात हुई मेरी तो वो कहते हैं यहाँ पर कूड़े की गाड़ी नहीं आती, तो नेताजी या तो कूड़े की गाड़ी यहाँ पर लगा दें ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। दूसरा एक और मेरे दिमाग में ये उपाय यहाँ पर सूझ रहा था कि यहाँ पर अगर जो है किसी देवी देवता की, भगवान जी की अगर मूर्तियाँ यहाँ पर लगा दी जाए या उनके नाम की जो टाइल्स आती हैं उनके ऊपर, टाइल्स के ऊपर जो उनकी तस्वीर बनी जाती है वो टाइल्स यहाँ पर लगा दी जाए तो भी शायद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर इस कूड़े को फेंकने से तब तो लोगों को शर्म आएगी। अगर यहाँ पर हनुमान जी की, श्री राम जी की या अन्य देवी देवताओं की भी यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर लगा दी जाए तो शायद यहाँ पर दोबारा से कोई कूड़ा ना डाले। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में भी इसको लेकर के कोई राय या कमेंट्स आता है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जिस स्थिति में यहाँ पर लोग बाग जबरदस्ती कूड़ा डाल के जाते हैं, यहाँ पे कोई पन्नी डाल के जाता है, कोई थैला डाल के जाता है, कोई अपने घर का गंद डाल के जाता है ऐसी स्थिति में। और ऐसा स्थिति सिर्फ यहाँ नहीं है, बहुत सी पूरी दिल्ली में बहुत सारे चौक चौराहे ऐसे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहाँ पर जबरदस्ती वहीं की जनता पन्नी डालती है। कोई छत से डाल देगा, कोई पन्नी गाड़ी में लेके आएगा, कोई स्कूटर पे लेके आएगा, अपना कूड़ा लाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। ऐसी स्थिति को कूड़ादान बनाने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में जो उपाय था मैंने आपको बताया कि शायद अगर भगवान जी की मूर्ति यहाँ पर लगा दी जाए तो शायद इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। और जबकि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, ना मानने पर कानूनी जुर्माना किया जाएगा, लेकिन लोगों को डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर कोई CCTV तो लगा नहीं है कि उसके ऊपर 24 घंटे नज़र रखेगा। हाँ, कोई भी आएगा चुपचाप यहाँ से पन्नी डाल के चले जाएंगे, आएंगे चुपचाप डाल के चले जाएंगे, आएंगे फिर चुपचाप डाल के चलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब कब तक हम इन लोगों को जो है, कभी हम पार्षद को रेल देंगे इस विषय पे, कभी विधायक जी को रेल देंगे, लेकिन हम भी तो गलत है ना। अब परसों वीडियो बनाया, कल ये साफ सफाई करवा दिया था, आज फिर जनता ने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया है। आपसे हमारी परसों बात हुई थी, बात हुई थी यार, डेफिनेटली परसों यहाँ कितना गंदा, इतना गंदा था कि आई एम टोटली डिप्रेस्ड। जब आपसे उनकी बात हुई है, आपकी जो पार्षद से, उसके बाद उन्होंने ठीक किया, फिर उन्होंने डाल दिया। अब ऐसी स्थिति में जनता गुनहगार है या नहीं है? यस, दे आर द कल्प्रिट,
दे आर द कल्प्रिट। हम सरकार से आंखों में आंखें कड़वे सवाल कर सकते हैं, तो जनता भी तो उसकी बराबर की गुनेगार। बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली एग्री विद यू एंड आई एम विद यू। ये क्या कर रहे हैं फिर, उन्होंने डाल दिया, दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रीटिंग। अब 24 घंटे तो मैं भाई बता रहा हूँ, 24 घंटे तो यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मी नहीं बैठेगा, 24 घंटे यहाँ पे पार्षद जी नहीं बैठेंगे, ना 24 घंटे विधायक जी बैठेंगे, लेकिन 24 घंटे जनता कभी आएगी पन्नी डालेगी एक स्कूटर पे, मौका देगा कोई नहीं देख रहा, कोई फिर पन्नी डाल दी, फिर थैला डाल दिया। अब ये गंदगी मचाएंगे तो क्षेत्र में गंदगी आपकी होती है, फिर इकट्ठे फोन करेंगे, देखिए पत्रकार महोदय यहाँ पे हमारी पार्षद जी सुन रहे सफाई नहीं करवा रहे, अरे डालते भी तो आप लोग ही हो, डालता कोई बाहर का आके थोड़ी। अभी बिल्कुल ठीक था यहाँ पर। अच्छा। मैं आया था तो मैं आज ही आया हूँ, मैं देखा तो विद माय आईज ऑन आईज देखा तो फिर उन्होंने डालना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने जब हमने परसों वीडियो बनाई थी तब गंदा था, कल साफ हुआ था। था बहुत गंदा था, कल इन लोगों ने साफ किया था, अभी आ गया कल क्या था, कल आपने जब साफ हुआ था तब देखा था, वो साफ हुआ देखा था मैंने, मैं कल देखा था, कल भी आया था मैं यहाँ पे, बच्चे का पेपर दिलवाने आया था, तो 2 बजे आया था, मतलब 2 बजे तक सफाई हो चुकी थी, उसके बाद फिर हो गई है। रिस्पॉन्सिबल तो जनता है, जनता है। द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, जो उन्होंने कर दिया मगर फिर जनता ने खराब कर दिया। क्योंकि हालांकि यही बात जो है वार्ड 24 का जो एन का ग्रुप बना हुआ उसके अंदर मेरी चर्चा चल रही थी कि हम एक बार सफाई करवा देंगे और देखना फिर तीसरे दिन यही हाल होगा। वाकई सही कहा था आपने कि तीसरे दिन यही हाल है, और लेकिन यहाँ की जनता को भी समझना होगा। और पार्षद जी आपसे भी एक अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ पर मजबूर है वो जनता यहाँ पर भी डालने, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है। मैं टोटली दोष जनता का नहीं दूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों की भी लापरवाही कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पर कूड़े की गाड़ी लगातार आती और हफ्ते में एक या दो दिन ही, पूरे 7 दिन कूड़े की गाड़ी चाहिए, क्यों रोज कूड़ा निकलता है। यस सर, मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर एक कूड़ेदान का वो जो ट्रक है वो आना चाहिए यहाँ पर और उठाना भी चाहिए, और जिससे काफी ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पिंदर वर्मा। अच्छा पुष्पिंदर जी, मैंने अभी ऐसी स्थिति में एक राय दी थी, अपनी राय दी थी मैंने कि ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे भगवान जी की मूर्तियों की टाइल्स लगा दी जाएं तो शायद ठीक है। देर इज ठीक है, मैं मानता हूँ एक ऑप्शन है ये, मैं मानता हूँ, कम से कम तब तो शर्म आएगी लोगों को, शर्म आएगी। राइट एब्सोल्युटली ऑन द डॉट। चलिए देखिए, अगर पार्षद जी माना 24 घंटे यहाँ पर आप कैमरा नहीं लगा सकते, माना 24 घंटे यहाँ पे कोई गार्ड नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर पॉसिबल है तो अगर यहाँ पर एक अनुरोध है, यहाँ पर देखिए इधर आओ मैडम, यहाँ पर ये जो स्पेस खाली बचा है इस कूड़ादान के साथ में, आपने अच्छा यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये जो स्पेस खाली बचा है इस जगह पर अगर यहाँ पर ये लिख दिया, टाइल्स लगा दी जाए कोई भगवान जी की, कोई गणेश जी की या हनुमान जी की या श्री रामचंद्र जी की, किसी की भी, मतलब किसी भी देवी देवता की, भगवान जी की मूर्ति यहाँ पर लगा दी जाए, तो शायद कुछ कमबख्त जो जनता है वो संभल सकती है कि कम से कम शर्म करेगी यहाँ पर हम ना डालें। यस आई एम एब्सोल्युटली, बिल्कुल राय सही दी हो आपने। तो एक बार अगर आप लोगों को भी ये राय सही लगी हो या आपके दिमाग में इसको लगता है कि कोई और आपके दिमाग में राय, तो एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।